ਕਿਨੇ ਗਿਆ ਹਲੇ ਫੋਟ कुर्की जब्ती करने गई पुलिस टीम पर हमला। कुर्की कर वापस होने के दौरान फरार आरोपी के परिवार वालों ने पीछे से किया हमला। हमले में महिला एसआई नीरा देवी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। महिला थाना में एक दर्ज कांड संख्या 5118 धारा 376 365 313 को लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी। अभियुक्त के घर कटिहार जिला के आजमनगर थाना क्षेत्र के बर्तावाड़ी गांव। घायल पुलिसकर्मी का आजमनगर अस्पताल में चल रहा इलाज। घायल प्रीता एसआई नीरा देवी घटना की है पुष्टि। कटिहार जिला के आजमनगर थाना के बर्तावाड़ी गांव में कटिहार महिला थाना में दर्ज कांड संख्या 5118 धारा 376 365 313 को लेकर महिला थाना पुलिस और आजमनगर पुलिस की संयुक्त टीम अब तक मिली जानकारी के अनुसार फरार आरोपी मोहम्मद मेजर के घर कुर्की जब्ती करने गई थी। महिला थाना की दारोगा नीरा देवी मौजूद थी। कुर्की जब्ती के बाद वापस लौट रही थी तो उसी दौरान पुलिस की टीम पर पुलिस फरार आरोपी उत्तेजित होकर पुलिस टीम पर पीछे से हमला कर दिया और देखते ही देखते कई लोगों ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें शामिल इस कांड के आरोपी मोहम्मद तालिब और मोहम्मद गनी दोनों बेल पर हैं और दोनों फरार आरोपी का भाई और पिता है। सभी औरत मर्द मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर नीरा के सिर फट गया है और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी खुद घायल महिला दरोगा नीरा देवी ने दिया है। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। मैडम कौन सा थाना से आए थे? महिला थाना कटिहार से आए थे। क्या मामला था? कुर्की करना था 5118 में। घटना कैसे घटी? क्या नाम था अभियुक्त का? अभियुक्त का नाम था अब्दुल गनी मोहम्मद तालिब और अब्दुल गनी दोनों था बाप बेटा। अभियुक्त मारा कि अभियुक्त का? अभियुक्त वो भी इसमें अभियुक्त है लेकिन बेल करेले था। उसका भाई जो है उसे उसका भाई का था कुर्की मोहम्मद मेजर का कुर्की था और अब तालिब जो है ना से वो भी अथी है अभियुक्त है लेकिन बेल कराए हुए था और उसका बाप भी अब्दुल गनी अभियुक्त है लेकिन वही केस में वो भी बेल कराए हुए था। वही दोनों मिलकर के पूरे परिवार वाला मिलकर हाँ पूरे परिवार आया और तुम्हारे सब मिलकर के मेरे को। क्या नाम हुआ आपका? एसआई नीरा देवी। ठीक है तो